तो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल। देखो यार, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ ताकि वर्ड्स क्लियर रहें। तुम स्पीड 1.5 या 2x कर लिया करो। मैं तेज बोलना स्टार्ट कर दूंगा तो तुम ज्यादा गाली दोगे, क्योंकि तुम्हें घंटा कुछ समझ नहीं आएगा। धीरे धीरे ही इम्प्रूवमेंट आएगी। एक दिन में तो मैं हिंदी का शशि थरूर नहीं बन जाऊंगा। तो सबर करो, और बस सबर मत करो, सब्सक्राइब भी करो। कब तक 19K का वेट करवाओगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट है पहाड़ी की तरफ से। तो पहाड़ी ने हस्तर को रोस्ट किया है, और हस्तर का ही पुराना नाम कैरी था जब उसने पबजी खेलना शुरू किया था मवी और पिंस के साथ टीम आईटी से। तो क्लिक बेट का एलिगेशन मत लगाना मुझ पे। चलो वैलोरेंट की इनकम जानने के बाद भाई मेरे को तो नहीं पता वैलोरेंट वाले कितना कमा रहे हैं। कुछ भी बोल रहा है भाई ये बंदा। साथ साथ फ्री फायर एंड बीजीएमआई प्लेयर्स वो बीजीएमआई है, फ्री फायर इधर है। वैलोरेंट खेलने लगे हैं तो हमने सोचा क्यों ना एक 44 ओजी मेंबर्स के बीच में वैलोरेंट। गाइस सच बताओ ये बंदा जा सकता। रुको जरा, मतलब ये बंदा किसकी तरह लगता है वो मैं बता रहा हूं। देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें। हस्तर हस्तर सच बताना, अगर मैं सही बोल रहा हूं ठीक है, कहता हो यार क्या था क्या था क्या था। हाँ ये देखो, इस बंदे को देखो, इस बंदे को देखो, इस बंदे की फोटो देखो और हमारे अस्तर को देखो। है नहीं है सेम, बताओ। ये देखो और ये देखो, हमारा अस्तर भाई अमेज़न प्राइम टीवी पे काम कर चुका है, हमें फक्र है, समझ रहे हो। ये देखो हम टॉपिक से भटक जाते हैं। हम ये पता मैं शांत क्यों खड़ा हूं। ये शूट मतलब ये एक छोटा सीन, इंट्रो सीन 5 बार रिकॉर्ड हुआ, और 5 में से 4 बार ये लौंडा और मैं और आरडीपी, हम तीनों ने बहुत हरकतें पेली उन 4 शॉट्स में ठीक है। लेकिन 5वां टेक 5 मेरे को बोला शांत हो जाओ भाई। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं चुपचाप खड़ा हूँ, मुंडे हिला रहा हूँ बस। कितना सीरियस खड़ा हूँ, मैं सोच रहा था बोलूँ क्या। फन फैक्ट जो तुम लोगों को नहीं पता, 4 बार टॉस हुआ था और 4 में से 4 बार ही हारा है। अगली अपडेट है वाइपर की तरफ से। तो वाइपर ने बताया कि रिफाइनरी होल्ड करना कितना डिफिकल्ट है, और वो काम 4 रनों नहीं कर पाती थी। क्या मतलब रिफाइनरी किंग्स आर बैक, वैसे ही हो सकता है भाई। मैंने रिफाइनरी खेल लिया ना, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा रिफाइनरी मेरे और मेरी टीम की बस की थी ही नहीं। तुम मेरे को रिफाइनरी अगर खाली होगा फिर भी बोलोगे भाई रिफाइनरी ड्रॉप पॉइंट ले लो, नहीं एकदम भी नहीं, एकदम मेरे से नहीं हो पाता है। हुगन नहीं था तब तो फिर भी पॉसिबल था कि चलो रिफाइनरी, जब हुगन बीच में हटा था ना कालरिम से तब फिर भी बहुत ईजी हो गया था रिफाइनरी होल्ड करना, बिकॉज देन इट वॉज क्लोज टू इम्पॉसिबल टू एंटर इन रिफाइनरी। बट हुगन आने के बाद से बहुत बीटी होता है, प्लस हमारी टीम का कोऑर्डिनेशन एंड कॉलआउट भी उतना स्ट्रॉन्ग था नहीं। रिफाइनरी पे आपको होल्ड करने के लिए यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ लाइक क्या बोलते हैं, टीम वर्क प्लस सेल्फ बिलीव प्रेजेंस ऑफ माइंड। हमारी टीम में वो सब की कमी थी। रिवाइवल आने के बाद और लगने लगे तो भाई मैंने बोला इस ड्रॉप पॉइंट को तो भूल जाओ, इस पर कभी गलती से भी नहीं आने का है, भले कहीं पर जाके 2-3 टीम के साथ क्लैश ले लेंगे बट इधर तो नहीं आने का है। अब भरते अगले सेक्शन पे जिसका नाम है गैस द वॉइस। कल की आवाज पता नहीं यार किसकी थी, मुझे तो अर्श की लगी। अब आज की आवाज गैस करो। हौले से धीमे से
मुझको बाहों में भर लो ना तुम नर्म सी सांसों में मुझको आहों में भर लो ना तुम। नेक्स्ट अपडेट है निडोमा FFPL से, तो डे वन के बाद टॉप पर है टीम बॉस ऑफिशियल, सेकंड पे है टीम PVS एंड थर्ड पोजीशन पे है टीम निवेश। नेक्स्ट अपडेट है RNX ऑल स्टार से, तो ग्रुप ए में टॉप पर है द माफियाज, सेकंड पर है HH। अब हम भरते अगले सेक्शन पे जिसका नाम है GK चेक। कल का आंसर है ये, चलो आज बताओ जम्मू एंड कश्मीर का लास्ट राजा कौन था। अगली अपडेट है फौजी भाई की तरफ से, तो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन तो मैं भी तुमसे नहीं पूछता हूँ, जितने डिफिकल्ट फौजी भाई ने रोहित से पूछ लिया है और इस क्वेश्चन के UPSC में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन रोहित के पास दो मैथ्स की बुक हैं इसलिए उसके लिए इजी है। चल 200 में कितनी जीरो होती है बता मेरे को, 200 में कितनी जीरो होती है? अच्छा, और 500 में कितनी जीरो होती है? दो। फिर दोनों सेम कैसे हुए ये? वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। बस फर्स्ट वाला लेटर डिफरेंट है। नेक्स्ट अपडेट है क्रिश के बारे में, तो क्रिश की बर्थ डेट है सपोर्टर जीरो गिल, मैं नहीं खेल रहा। अब स्नाइपर दे दियो चुपचाप, अब रोना मत। स्नाइपर दे, स्नाइपर दे, स्नाइपर। वैसे भाई क्रिश का बर्थ ईयर क्या है? 2007 ही है ना? नहीं, हाँ जी 2007 ये साथ होता है भाई। मेरा भी 2007 पे मंथ पूछो। साथ बस तब होते हैं जब बंदों से फाइट हो जाती है उसके बाद। अबे क्रिश तेरा मंथ पूछ रही है लोग तो 2007 तो अबे मंथ सितंबर है। अबे वो उसका बर्थडे भी 16 सितंबर को है, तेरा भी 16 सितंबर को तो नहीं है ना? किसका? TSG सार्थक का। क्रिश भाई आप रसर हो, स्नाइपर नहीं। तेरा कब है? क्या तेरा बर्थडे? अबे बर्थडे पूछ रहा है। अबे तेरा बर्थडे कब है यार? कभी 2007 तेरा मंथ रहता है, कभी बर्थडे तेरा सपोर्टर रहता है। अबे चार बारी बोल दिया 21। एग्जाम में मैथ्स के पेपर में संस्कृत के स्लोत तो नहीं लिख के आया था ना? आपके तेरा थोड़ा ना। अरे उससे इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ पूछोगे तो बेचारा कंफ्यूज तो होगा ही। सारी गलती वासियों की है, बट फाइनली वासियों को पासवर्ड याद आ गया है। अगली अपडेट है शिवम की तरफ से, तो शिवम ने बताया कि ज़ियान और RNS क्या कर रहे हैं अब। जैसे पता कौन बंदा था? हाँ, ज़ियान करने लगा था अभी लास्ट मार करता है, ऐसी घर चला गया था ना बूट कैंप के बाद, बोलता ही नहीं था कुछ, चुपचाप खेलता था। अरे हाँ यार, ज़ियान से आ रहा है। वेलो वेलो खेलता है अभी, टाइम के प्लेयर्स वेलो RNS ये सब वेलो में आ गए। वेलो भी अच्छा खेलता है, वो BC गेम्स वगैरह ना, बट उसे नहीं छोड़ना था उसका, तो YouTube वगैरह भी चल रहा था सब। तुम्हारी और वालों ने भी अब टाइम रखा, पर लास्ट में तो रिलीज कर दिया, कल तो बात करी इन्होंने भाई, नाम रोशन हो जाता ना उनका अब तक रख लेते भाई तो। अब मैं कोई सी और ज्वाइन करूंगा 4-5 हज़ार वाली। मैं तो नूक के साथ बना रहा हूँ नई टीम, इसको कट करके रख लेना। एक दो महीना ना वो करूँगा, क्या बोलते हैं, थोड़ा पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, कुछ स्लो रूम दिखाना है अभी, बोलने के बाद जब और गई और किस तरह चलो यही सुनना था मुझे। मुझे प्यार हुआ ये वाली मैच भी आ जाएगा फौजी भाई, कॉपीराइट आ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, चलो हम मिलेंगे शानदार वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।